विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिल्ली की हार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में नई सोच की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली में बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिलने से भले ही जश्न की मुद्रा में हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी पर अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। बीते दो विधानसभा चुनाव में पार्टी ने खाता तक नहीं खोला है। अब पार्टी के निर्णयों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को नई सोच की जरूरत बताने के साथ ही आज देश के बदलने की बात भी कही है। सिंधिया ने कहा कि पार्टी को कार्यप्रणाली बदलने की जरूरत है। इसके पूर्व पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी समिष्ठा मुखर्जी भी पार्टी की हार पर आलाकमान सहित राज्य इकाई के नेताओं पर बड़े सवाल खड़े कर चुकी हैं। मुखर्जी ने आलाकमान द्वारा निर्णय लेने में देरी करने और राज्य इकाई में एकता की कमी के गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, पार्टी का हिस्सा होने की वजह से उन्होंने हार के लिए खुद भी जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। दिल्ली के पिछले दो विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिहाज से बेहद बुरे साबित हुए हैं। साल 2015 और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सीट का खाता तक नहीं खोल पाई। पार्टी की सूबे में इतनी बुरी हालत कभी नहीं रही है। इस बार तो कई वरिष्ठ नेताओं ने टिकट लेने तक से इनकार कर दिया था। ऐसे में पार्टी की खस्ता हालत के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। मैं केवल अपनी पार्टी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत ही निराशाजनक है और नए सोच, नई विचारधारा और नई कार्यप्रणाली की सख्त जरूरत है। दखल प्राइड अवार्ड 2020 दखल न्यूज सम्मानित करता है उन हस्तियों को जो समाज में उदाहरण बने, जिन्होंने देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। दखल प्राइड अवार्ड पे विशिष्ट अतिथि होंगे टीएस सिंहदेव, मंत्री स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य अतिथि पीसी शर्मा, मंत्री जनसंपर्क मध्य प्रदेश शासन, विशेष अतिथि विजेंद्र सिंह राठौर, मंत्री वाणिज्य कर मध्य प्रदेश शासन। आप सादर आमंत्रित हैं राज्य संग्रहालय सभागार भोपाल, 16 फरवरी 2020 शाम 5:30 बजे। दखल प्राइड अवार्ड पावर्ड बाय दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, स्पॉन्सर्ड बाय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भोपाल, चित्रांश बिल्डर, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मधुरम ग्रुप, माइडास इंग्लिश एकेडमी, सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी भोपाल, ग्वालियर स्मार्ट सिटी।